नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर की। बड़ी खबर से राज ठाकरे ने, जी हां, मुसलमानों को अल्टीमेटम दे दिया है। खुले तौर पर राज ठाकरे मुसलमानों को लेकर जो बयान दे रहे हैं, राज ठाकरे मुसलमानों को लेकर जो बात कर रहे हैं, उससे मुसलमानों में एक खास तौर का डर देखने को मिला है। जी हाँ, राज ठाकरे के बयान के बाद पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ। देश के कई राज्यों में जहां कई घटनाएं सामने आई हैं, दो समुदायों के बीच झड़प की, उसके बाद ये माना जा रहा है कि राज ठाकरे को क्या माफी मांगनी चाहिए। राज ठाकरे ने जो बयान दिया था कि मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाई जाएगी, उस बयान पर क्या राज ठाकरे को माफी मांगनी चाहिए? क्या राज ठाकरे को देश के मुसलमानों से माफी मांगते हुए अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए? जी हाँ, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा मुसलमानों की तरफ से कहा जा रहा है। मुस्लिमों की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है, मुसलमानों की ओर से यह कहा जा रहा है कि राज ठाकरे ने जो बयान दिया वो बयान गलत है और राज ठाकरे के बयान को बीजेपी प्रवोक कर रही है, बीजेपी बढ़ा रही है, इस तरह की बातें कही जा रही है। दरअसल ये देखा गया कि राज ठाकरे ने जब से बयान दिया है उसके बाद से न सिर्फ महाराष्ट्र का माहौल खराब हो रहा है बल्कि देश के कई राज्यों में स्थिति बहुत हद तक खराब हो रही है। वहीं शिवसेना प्रमुख जो है, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने भी राज ठाकरे की जमकर खिंचाई की। इसके साथ ही साथ एमएनएस को खुली चेतावनी दे दी है। एमएनएस के चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में अगर दंगा भड़काने की कोशिश की गई तो चाहे कोई भी हो उसके खिलाफ महाराष्ट्र की सरकार बड़े कदम उठाएगी। उद्धव ठाकरे के लिए राज ठाकरे एक चुनौती बन चुके हैं। जी हाँ, राज कहा जा रहा है कि राज ठाकरे बाला साहब ठाकरे का सपना पूरा कर रहे हैं हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का, लेकिन उद्धव ठाकरे राज ठाकरे पर लगाम कसने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ये बात जानते हैं कि राज ठाकरे के बयान से पूरे महाराष्ट्र में दंगा हो सकता है, पूरे महाराष्ट्र में हालात खराब हो सकते हैं। इसलिए महाराष्ट्र पुलिस को काम पर लगा दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर जो है न सिर्फ राज ठाकरे बल्कि उनकी पार्टी के नेताओं को भी बड़े एक्शन जो है दिए, बड़े हिदायत दी है कि वो अगर इस तरह का कोई प्रोटेस्ट करते हैं या कदम उठाते हैं तो कदम उठाए जाएंगे। दरअसल ये देखा जा रहा है कि इस वक्त महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच जंग छिड़ गई है। जी हाँ, राज ठाकरे के बयान से जहां उद्धव ठाकरे को जो है वो दर्द हो रहा है, राज ठाकरे के बयान से उद्धव ठाकरे सहमत नहीं है, लेकिन बीजेपी राज ठाकरे के बयान को तो आगे बढ़ाती नजर आ रही है। तो साफ तौर पर माना जा रहा है कि इस बीच राजनीतिक पार्टियों के बीच में भी भिड़ंत है, दो भाइयों के बीच भिड़ंत होती नजर आ रही है और साफ तौर पर मुसलमानों को जिस तरह से खुली चुनौती राज ठाकरे ने दी है उसके बाद मुसलमान भी राज ठाकरे को चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं और अगर कदम उठाया तो उसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो माहौल इस वक्त बहुत ज्यादा खराब होता नजर आ रहा है और राज ठाकरे के बयान से पूरे देश में सनसनी मची हुई है। आज के लिए तहीं आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए जा दीजिए, नमस्कार।